नहीं, मैं डोसा बनाने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं हॉर्तो बागी पाला सिंता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, दिस आर जस्ट सेवरी क्रेप। जी हाँ, डोसे का हंगेरियन वर्जन है। देखिए, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री चले जाएं तो एक साइट आपको बड़ी कॉमन मिलेगी, वेदर यू इन ब्यूडापेस्ट और यू इन एम्स्टरडैम और यू इन पेरिस, द कॉमन साइट इज द क्रेपरीज। वहाँ पे सड़क के किनारे सब जगह क्रेपरीज होती हैं, जहाँ पे डोसे जैसे क्रेप्स बन रहे होते हैं, एंड दोज क्रेपरीज सर्व सम अमेजिंग फिलिंग्स। मिल्क, टच ऑफ सोडा, शुगर, शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कलर and for that outer crispiness. Now let's add some salt. Let's whisk it up. Dekhiye, batter has to be very thin. Traditionally, you could make this batter with the flour and buckwheat. Agar kuttu ka aata ya buckwheat aapko milti hai, usse bana sakte hain. One of the most interesting things that I've done is taken lentil flours, jaise moong ka aata, urad ka aata, chane ka aata, aur unko saath mein soak karne ke baad crepes ke andar dala hai. They become nice and protein rich. Now let's add some soda. ये बड़ी interesting चीज़ है। Normally in crepes you'd add just milk and eggs, but यहाँ पर I like the addition of soda. This is quite like the Oriental crepes. जब हम China में, Hong Kong में crepes बनाते हैं Peking duck के लिए, उसमें हम soda डालते हैं for that crispiness, and also what soda does is it gives it a nice natural leavening, एक aeration देता है naturally. That's what soda is going to do here. Lovely. And let's finish it with some oil. And we leave it to rest. And for the filling, we could use chicken, bacon, ham, or as a vegetarian option, hum mushroom bhi istemal kar sakte hain. Agar aap anda nahi khate, to us case mein aap is batter mein anda na dalein. The only change you have to make is, then you have to let the batter rest for like an hour. क्योंकि एक घंटे तक बैटर रेस्ट करेगा, उसके अंदर ग्लूटेन फॉर्मेशन अच्छा होगा, बाइंडिंग अच्छी आएगी और टेक्सचर बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा अंडे के साथ। मोस्ट हंगेरियन क्रेप्स, अनलाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन क्रेप्स, आर वेरी सॉसी। चलिए फिलिंग बनाते हैं। लवली, लेट्स फ्राई द अनियंस। ऑलराइट, सो द ट्रिक हियर इज टू मेक अ फिलिंग दैट इज नाइस एंड क्रीमी लाइक आई सेड, और उसमें हम डालेंगे एक इंग्रेडिएंट जो हमको डालना बहुत जरूरी है, जिसके बगैर हंगेरियन खाना हंगेरियन नहीं होता, एंड दैट इज द पपरिका। जी हाँ, पपरिका जो है यूरोप में सबसे पहले हंगेरियंस ने एक्सेप्ट करी, हंगेरियंस ने सबसे पहले पपरिका खाई नहीं, उगाई भी, और आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हंगरी पपरिका में। कहते हैं कि हंगेरियन सॉयल is magic for paprika, and you got to try Hungarian paprika. Baki sari paprika aap bhul jayenge, wo smokiness, wo sweetness, outstanding. All right, the onions are done, time to put the mushrooms. Now we'll add some chopped tomatoes. Actually ghar pe main logon ko abhi bhi ye cheat batata hu ke thodi degi mirch le, देगी मिर्च में पिसी हुई शक्कर डालें और उसको धीमी आंच पे भूने। इट गिव्स अ नाइस स्मोकी फील टू इट, कैरमलाइज फील टू इट। ज़्यादा ना भूने वरना जल जाएगी और आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं, बट यू काइंड ऑफ सौते इट टुगेदर, स्लोली रोस्ट इट टुगेदर, टेक इट ऑफ द फ्लेम, योर देसी पपरिका जुगाड़ इज रेडी, बट यू गॉट टू ट्राई द हंगेरियन पपरिका व्हेन यू गेट अ चांस। सो द मशरूम्स आर डन, नाउ लेट्स ऐड सम पपरिका, salt, a little bit of flour. This is just to thicken the sauce. Again, very French. Thickening with flour is very, very French. Traditionally, हम roux बनाते हैं. Roux जो है वो flour से thickened होती है. ज़्यादातर sauces पहले France में flour से ही thickened होते थे. Now, let's take some fresh cream. Slightly yellow. For cooking, I find this to be exceptionally good. मैदे की वजह से क्रीम गाढ़ी हो जाएगी। लवली, सो द फिलिंग इज रेडी, गैस करते हैं बंद, और यहाँ मेरे पास कुछ सावर क्रीम है। अगर आपके पास सावर क्रीम नहीं है, यू कैन प्रॉब्ली जस्ट टेक सम हंग योगर्ट। सो आई विल जस्ट लाइटली फोल्ड इन द सावर क्रीम इनटू माय फिलिंग, टर्न द गैस ऑफ। लवली, सो लाइक यू सी द फिलिंग इज वेरी सॉसी हियर, एंड द आइडिया इज टू जस्ट कुक द फिलिंग इन द सॉस टुगेदर। चलिए क्रेप की करते हैं तैयारी।
And we have our crepe stick. लेते हैं अपना क्रेप. Here we are. Just load it up with the filling. इसको चारों तरफ से करते हैं बंद. सिलेंड्रिकल बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एनी शेप दैट यू वांट. एंड वी फ्लिप इट अराउंड. लवली. एंड सम मोर फिलिंग. एंड नाउ द सेकेंड वन. Now we load it up in the sauce. Ek bar fir se sauce cum filling. Before we bake it, let's put some cottage cheese. Now Hungarian fresh cheeses are very famous. Now this goes into the oven at 180 degrees for 10 minutes. We will just wait for the crepe to get crisp and the cheese to melt. Kya baat. Lovely. In Hungary there's food to be eaten like a meal, and this looks like a meal. Tastes like a meal, feels like a meal, and I'm garnishing it also like a meal. Just some fried herbs. Thodi si mohabbat. Mirch is mohabbat, right? Well, aap is mohabbat bhari recipe ka recap dekhiye aur main karta hu isko khatam karne ki taiyari. हर्तबागी पाला सिंता बनाने की विधि. क्रेप्स के लिए मैदा, अंडा, दूध, सोडा, शुगर, नमक, ऑयल को विस्क करके पतला बैटर बना लें और बैटर को 15 मिनट का रेस्ट दें. लेडल भरकर बैटर को मीडियम हॉट पैन में फैलाकर क्रेप्स बनाएं और दोनों तरफ से सेक लें. क्रेप्स की सॉस के लिए गरम तेल में डालें प्याज, मशरूम्स, चॉप्ड टमाटर और सॉटे करें. फिर डालें हंगेरियन पेपरिका, नमक, मैदा और मिक्स करें. फ्रेश क्रीम डालकर गैस बंद करें और एंड में डालें सा क्रीम. क्रेप के बीच में सॉस डालकर पॉकेट की तरह फोल्ड करें. ऊपर से सॉस डालें और नरम पनीर डालकर 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक करें. पार्सली, मिंट लीव्स और पेपरिका से क्रेप्स को गार्निश करें. हर्तबागी पाला सिंता तैयार है. Hi, this is Ranveer and welcome back to the global menu where we are traveling across Hungary today. Milesz az abéd, as in let's have lunch. This is how people in Hungary meet. Ek dusre se milte hain aur bolte hain chaliye lunch karne chalte hain. Goulash ke naam se jaane jaane wali ye dish puri duniya mein ek tarah se Hungarian national dish ke naam se famous hai. And in the oil, we will add some whole garlic and some lamb. और इसको हम अच्छे से भून लेंगे. गाय भैंसों को चराने वाले जो लोग होते थे वो मीट को ड्राई करते थे, सब्जियों को ड्राई करते थे, अपने पास रखते थे और उसमें स्टॉक डाल के जहाँ मन करता था वहाँ एक ब्रॉथ, एक स्टू बना लेते थे और स्टू के साथ ब्रेड डाल के खाना खाते थे. उसका नाम पड़ गया गुल्यास. 9th सेंचुरी मतलब लगभग 1100 साल पुरानी रेसिपी है ये. और आज की डेट में इट्स लाइक द नेशनल डिश ऑफ हंगरी. जब तक आप लैम्ब को भूनेंगे नहीं फ्लेवर नहीं आएगा. यू हैव टू सॉटे इट नाइसली. इसमें हम डालते हैं मोटा मोटा कटा हुआ प्याज, लेट्स कट सम बेल पेपर्स. देखिए ये जो खाना है ना, पेजेंट फूड एज वी कॉल इट, किसानों का खाना, चरवाहों का खाना, उस खाने का फ्लेवर अनबीटेबल है और उस खाने के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. मतलब उस खाने को सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाना चाहिए. फाइन कट्स. आजकल मैं देखता हूँ कई जगह गुलाश एकदम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है. उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, बहुत बारीक बारीक कटिंग होती है, लेकिन दिल को नहीं भाता. भाई दिल को कैसे भाएगा जब मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं. क्या बात. देखिए भुन के तैयार है मटन. इसके अंदर डालते हैं बेल पेपर्स, डाइस टोमेटोज और ढेर सारा पपरिका. देयर इज नो गुलास विदाउट पपरिका. एक्चुअली मजे की बात यह है कि टमाटर और पपरिका दोनों गुलास की ओरिजिनल रेसिपी में नहीं थे.
बिकॉज पपरिका ऑटोमन एम्पायर से टर्की के रास्ते हंगरी तक पहुंचा नहीं था, और टमाटर तो यूरोप में बहुत बाद में आए, और टमाटर जो है वो हर्ड्समैन साथ में लेके चल भी नहीं सकते क्योंकि ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए टोमेटो एंड पपरिका आर मोर रीसेंट एडिशन टू अ गुलियास, बट दे एड अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स, सो वी गोना यूज देम. द कैरमलाइजेशन ऑफ द मटन, और साथ में जो मिठास है पपरिका की, दैट स्मोकी स्वीटनेस, मतलब आप चाहें तो बहुत सारे मसाले डालें या फिर सादा सा सिंपल सा एक पपरिका स्टू बनाएं. फॉर मी द पपरिका स्टू राइट नाउ राइट हियर विन्स. नाइस. That's it. अब इसमें डालते हैं पानी, अब इसमें डालते हैं मटन का स्टॉक. Now let's add some salt. थोड़ा नमक हमने लैम के मैरिनेशन में डाला था. ढक्कन लगाइए और इंतजार कीजिए. ओके, क्या बात. सिर्फ यही कह सकता हूं कि काश आप यहां होते, ये कुर्सियां लगी हुई हैं, बैठते आराम से खाते. आई विश यू कुड टेस्ट दिस. 5-6 चीजें पड़ी हैं, लेकिन जायका दुनिया भर का. डू ट्राई दिस एट होम, बिकॉज आई एम गोना ट्राई इट राइट नाउ. एक कॉमन भ्रांति है कि गुलाश एक सूप है, इट्स अ स्टू, और स्टू को खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वी ब्रेक सम ब्रेड एंड वी सोक इट. आइए प्लीज खाइए, वरना आप बाद में बोलेंगे रणवीर ने बुलाया नहीं. गुलाश बनाने की विधि. बड़े बर्तन में तेल गरम करके डालें लहसुन और लैम्ब. लैम्ब और लहसुन को ब्राउन होने तक भून लें. चॉप्ड प्याज डालकर सॉटे करें. फिर डालें बेल पेपर्स, चॉप्ड टमाटर, हंगेरियन पेपरिका, आलू और गाजर. लैम्ब स्टॉक और नमक डालकर लैम्ब को सॉफ्ट होने तक पकाएं. गुलाश को ब्रेड के साथ सर्व करें. गुलाश तैयार है. अब बारी है मीठे की. देखिए, आदमी खाना क्यों खाता है? मीठा खाने के लिए, राइट? तो चलिए बनाते हैं एक इंटरेस्टिंग मीठा राइट फ्रॉम हंगरी. मीठे का नाम है फ्लादनी. 4 फिलिंग हमको चाहिए होंगी. सबसे पहली फिलिंग के लिए हमारे पास है व्हाइट वाइन. अगर व्हाइट वाइन नहीं है, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट विद वाटर. नाउ टू दिस व्हाइट वाइन वी विल ऐड सम चॉप्ड एप्रिकॉट्स. दीज आर सेमाई ड्राइड, बिल्कुल सूखे हुए नहीं है खुबानी की तरह. ज़्यादातर सुपरमार्केट्स में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो खुबानी लीजिए. खुबानी को पानी में सोक कीजिए, सीड्स निकालिए और उसका इस्तेमाल कर लीजिए. लेट्स ऐड सम एप्रिकॉट जैम, हल्की सी शुगर, वाइट बटर और पॉपी सीड्स या खसखस, जो कि हमने टोस्ट कर रखी है. पॉपी सीड्स, पोस्तो, खसखस हिंदुस्तान में बहुत इस्तेमाल है, याद रखें. ताज़ा यूज़ करें और टोस्ट करके यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर कई बार एक ऑफ स्मेल होती है जो भुनने के बाद चली जाती है, और भुनने के बाद एक इन पॉपी सीड्स में नटीनेस आ जाती है. नाइस, लवली. इसको हम धीमी आंच पे पकने देते हैं. इसके बाद हम बनाएंगे एक चॉकलेट की फिलिंग. ये डबल बॉयलर पे हमने चॉकलेट डाली, आराम से धीरे धीरे मेल्ट होती रहेगी. प्रून्स बेसिकली सूखा हुआ आलू बुखारा है, ड्राइड प्लम्स ऑफ अ सर्टन वैरायटी, जिनको सुखा के और इस्तेमाल किया जाता है, सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं. इन प्रून्स को हमने चॉप किया, और चॉप करने के बाद सिमिलरली इसी तरह हल्की सी शक्कर और बटर के साथ पका लिया अपनी अगली फिलिंग के लिए. 3 तरह की फिलिंग बन गई है. चॉकलेट इज मेल्टिंग हियर, उसमें हम डालेंगे वॉलनट्स. प्रून की फिलिंग बन गई है और एप्रिकॉट की फिलिंग बन गई. और आपको मैं इस डिश की पुरानी एक कहानी सुनाता हूँ. 1945 में होलोकॉस्ट के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ जूइश माइग्रेशन इनटू हंगरी, और जूइश खुद तो आए, साथ में
एक ट्रेडिंग सेंस लाए, एक जुझारूपन लाए, अपनी संस्कृति लाए, अपना खाना लाए और ये डिज़र्ट लाए। और इस डिज़र्ट की खूबी है, जब ये बनता था तो एक एक सेलिब्रेशन होता था, एक सर्कल, टिपिकल सर्कल डांस होता था। आज की डेट में द ज्यूश कल्चर हैज मिक्स्ड इनटू द हंगेरियन कल्चर एंड दिस डिश इज एज हंगेरियन एज इट कैन बी। चलिए, एप्रिकॉट भी पक्के तैयार है। ये तीन फिलिंग जो हमने बनाई है, इसके सिवाय एक एप्पल की फिलिंग बनाएंगे जिसमें एप्पल को कद्दूकश करके उसको शुगर के साथ पका लेंगे। एक एप्पल जैम, एप्रिकॉट जैम, प्रून जैम और चॉकलेट, ये चारों फिलिंग तो बन गई है, पर ये जाएंगी कब? ये जाएंगी एक पेस्ट्री के अंदर और उसके बाद ये होगा बेक। वो पेस्ट्री कुछ ऐसी है, ये बेसिकली आटा मैदा जो हमारे पास है उसको हमने लिया, उसके अंदर 30% मोइन डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, ठंडे पानी में गूंद लिया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन अंडे खाते हैं तो 1 किलो में 1.5 या 2 अंडे डाल दिए और उसके बाद गूंदने के बाद वी रोल इट रियली थिन। नाउ द एप्रिकॉट फिलिंग इज रेडी, यू कैन सी दैट इट्स कुक्ड और बिल्कुल साइड्स जो है छोड़ रही है, इट्स लीविंग द साइड्स। कभी भी बहुत ठंड जहाँ पड़ती है उन देशों में अगर आप जाएंगे तो एप्पल, ब्लू चीज़, एप्रिकॉट और वॉलनट, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मेन्यू पे आ जाती हैं बिकॉज दिस सिग्निफाइज रिचनेस एंड दिस ऑल्सो सिग्निफाइज हेल्थ इन द विंटर। चॉप्ड वॉलनट्स, सबसे पहले एक लेयर पेस्ट्री की, द चॉकलेट फिलिंग। नाउ वी एड द एप्पल फिलिंग, नाउ द एप्रिकॉट फिलिंग। लवली, सिंपल सी फिलिंग है, जैसे आपने एप्रिकॉट्स कुक किए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको प्रून्स को कुक कर लेना है। दैट्स अबाउट इट एंड देयर गोज द लास्ट शीट। और अब हम इसको बेक करेंगे 1 घंटे के लिए अराउंड 170 डिग्रीज एंड वी गोइंग टू चिल इट फॉर 6 आवर्स, यानी कि अब 7 घंटे लगने वाले हैं, तो कल मिलते हैं, सी या। देखिए, इतना प्यार तो मैं आपसे करता हूं कि एक बना के मैंने पहले से रखा होगा, अपने 7 घंटे लगाए हैं इसमें। आई टेक दैट आउट, सो दैट्स द रेडी वर्जन, यू कैन सी द लेयर्स। इन अ पैन वी टेक सम शुगर, शुगर को होने देते हैं मेल्ट। ये हमारी फ्लॉदनी, ब्लूबेरीज को हल्का सा शुगर में करते हैं कार्मलाइज, सम वॉलनट्स, लेट्स पुट देम इनटू क्रीम चीज एंड द एप्रिकॉट, देयर गोज द एप्रिकॉट, अ टच ऑफ वाटर और वाइन, नथिंग बीट्स द सिजल ऑफ बेरी एंड वी जस्ट लेट इट फॉल नेचुरली। लवली, एक्चुअली इतना अच्छा है ना, मेरा अकेले खाने का मन नहीं कर रहा। द जॉय ऑफ ईटिंग इज शेयरिंग, राइट? लेट्स शेयर अ वेरी ओल्ड ज्यूइश ट्रेडिशन, लेट्स शेयर सम लव। हाँ, रीकैप देख लीजिए। फ्लॉदनी बनाने की विधि, एप्रिकॉट फिलिंग के लिए पैन में व्हाइट वाइन, खुबानी, एप्रिकॉट जैम, कास्टर शुगर, अनसॉल्टेड बटर और पॉपी सीड्स डालकर मिक्स करें और पैन के किनारे छोड़ने तक पकाएं। प्रून्स फिलिंग बनाने के लिए पैन में बटर, शुगर, प्रून्स को जैम की कंसिस्टेंसी तक कुक करें। चॉकलेट फिलिंग के लिए डबल बॉयलर में डार्क चॉकलेट मेल्ट करके डालें अखरोट और फोल्ड करें। एप्पल फिलिंग के लिए पैन में मक्खन, शक्कर, कद्दूकस एप्पल को सौटे करें और पैन के साइड्स छोड़ने तक कुक करें। पेस्ट्री शीट के लिए मैदा, मक्खन और ठंडे पानी से टाइट डो बनाकर पतले रेक्टेंगुलर शीट्स काट लें। फ्लॉदनी के लिए ग्रीस्ड बेकिंग ट्रे में मैदा की शीट को लाइन करके चॉकलेट फिलिंग स्प्रेड करें, फिर मैदा शीट डालकर एप्पल फिलिंग स्प्रेड करें। उसी तरह खुबानी की फिलिंग और एंड में प्रून की फिलिंग डालकर मैदा शीट से फ्लॉदनी सील करें। फ्लॉदनी को 170 डिग्री पर 1 घंटे के लिए बेक करें, फिर 6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें। पैन में पाउडर्ड शुगर, ब्लूबेरीज, अखरोट और वाइन डालकर सॉटे करें। अनसॉल्टेड बटर क्विनेल, खुबानी और स्लाइस्ड फ्लॉदनी पर पोर करें और मिंट से फ्लॉदनी को गार्निश करें। फ्लॉदनी तैयार है।